सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोभा देवभूमि ब्लॉग में। तो आज मैं आई हुई हूँ खेत में और यहाँ खेत में मैं ये देखिए मैं काट रही हूँ दुदिला। ये हरे पत्ते होते हैं, गाय के चारे के लिए खाने के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार दिखा रखा है। तो मैंने इस पेड़ को काट के लाई, ये पेड़ मैंने काट दिया है, ये है दुदिले का पेड़। और मैं आई हुई हूँ अपने घर से बहुत नीचे, बिल्कुल गधेरी के एरिया में आई हुई हूँ और यहाँ से सामने की रोड काफ़ी नज़दीक दिख रही है। और ना हमारा घर काफ़ी ऊपर है, बहुत ऊपर है, यहाँ है हमारा घर ऊपर, बहुत ऊपर है। तो मैं यहाँ दुदिला काटने आई हुई हूँ और अकेले भी हूँ और काफ़ी डर भी लग रहा है। वैसे तो डर नहीं है, लेकिन बाघ वाघ और सुअर वुअर की डर लगती है ना, जंगल साइड का एरिया जैसा है ये। तो मैं फटाफट से ये दुदिला काटती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आपको जो यहाँ के इस एरिया में जो आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये पूरा पेड़, ये पूरे बांज के पेड़ हैं और पूरी एरिया में ये पूरे बांज के पेड़ दिख रहे हैं आपको। और ये बांज के पेड़ ना बहुत ठंडे होते हैं, मतलब इनसे जो हवा आती है, जो ऑक्सीजन आती है वो प्योर आती है। सबसे ज़्यादा ही ऑक्सीजन ये बांज के पेड़ों में होती है। तो इस वजह से ना हमारे यहाँ रामगढ़ का मौसम वही बहुत अच्छा है, ठंडा है। जाड़ों में तो काफ़ी ठंडा है, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ का मौसम सुहावना होता है। और ये जो आपको ऊपर दिख रही है इस एरिया, ये है गागर के एरिया, टाइगर टॉप, टाइगर टॉप बोला जाता है यहाँ। यहाँ टाइगर टॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर भीषण जंगल है और इस जंगल में टाइगर रहता है। खेत से आने के बाद थोड़े बहुत मैंने कपड़े वगैरह धोने थे, वो धो दिए थे और अपनी गाय को घास पानी जो भी देना था वो दे दिया था। अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना सामान लेके पेंटिंग का, और ये जो मेरी अधूरी पेंटिंग छुटी हुई थी इसको मैं आज पूरा करूँगी। पेंट भी कम है, देखती हूँ कितनी बनती है। और ये है हमारे रामगढ़ का आज का नज़ारा, और आसमान बिल्कुल साफ है और कहीं कहीं पर ना छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं और आसमान बिल्कुल साफ है। अच्छी धूप लगी हुई है और सामने बूबू लोग, उन्होंने धुआं धुआं से दिख रहा है बूबू लोगों के घर पे, तो वो शायद केड़ जला रहे होंगे। आजकल ना खेतों की सफाई वफाई होती है तो सभी जगह, एक ऊपर भी दिख रहा है, सभी जगह केड़ हेड़ जलाए जाते हैं, जिससे ना उसकी राख से भी खेत में खाद बन जाती है और कांटे हाटे जो होते हैं वो भी जल के राख हो जाते हैं। और ये आरुषि यहाँ पर होमवर्क कर रही, इसने चुटियाँ देखो क्या बना रखी, दो दो रबड़ बात के। लगभग 2:30 बज चुका है और मैं बना रही हूँ अभी दिन का खाना। आज खाने में ना रोटी बना रही हूँ और ये सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो काफ़ी बची है लौकी की सब्ज़ी और मैं और मेरी बेटी के लिए ये सब्ज़ी हो जाती है। और खाना खाने के बाद फिर मैंने पेंटिंग बनाने लग गई थी, और पेंटिंग बनाते बनाते शाम हो चुकी है और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह के से है, सूरज अस्त हो रहा है। और ये पेंटिंग आज मैं इतनी ही बना पाऊँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ।